हेलो गाइस, तो आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है जिसमें आप हमारे चारों जो कैंडिडेट्स हैं वो दिख गए होंगे। इन्हें हम गेम के तौर पर रेसलर्स कहेंगे। तो हम सबसे पहले अपने रेसलर्स को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं करण भाई। और करण भाई, कैसे हाय हो? गाइस, बढ़िया। मैं तू बता भाई, कैसा है गाइस? बढ़िया कैसे हो आप बढ़िया। सब लोग? तो एक तो तरफ जल्दी है से पहले एक मैच में डाइव करते हाँ, हैं। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एक तरफ है मोदी जी और योगी जी, जैसे कि आपको देखने से लग ही रहा होगा, और एक तरफ अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी। आगे कमेंट्री करेंगे मैच मैच में। सबसे पहले मैच में चल लेते हैं, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। मैच स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी और अंदर बात करते हैं। टैक्टिक मैच टैग टीम मैच है, स्टार्ट हो जाए यार। बस पहले सबकी एंट्रीज देख लेते हैं गाइस, देखते हैं हमारे कौन पास कितना जो दो स्ट्रेंथ के सुपर साथ एंट्री स्टार्स करता हैं, है। हमारे सुपर स्टार, हम तो सुपर स्टार ही कहेंगे क्योंकि बीजेपी की तरफ से हैं। तो एक हमारे केजरीवाल पास, तो पहले केजरीवाल है की एंट्री अभी सब सोच भाई। रहे हैं। हमने देखी नहीं इसकी एंट्री, लेकिन मस्त एंट्री है इसकी। बहुत गजब, कलाई चटका दो चप्पलों में और ये मफलर डाल रखा एज ऑलवेज। तुमने शायद सुना नहीं, लौड़ाई। मिस कर दिया मैंने, तो भाई जैसे स्किप ओ कर भाई, देते हैं, दूसरी वो एंट्री बहुत देखते गजब था हैं। यार, इसकी एंट्री बहुत गजब थी यार, सच में। उल्टा जन्म एंट्री, और अब शायद अगर राहुल गांधी टैग जी की टैग टीम के पूरी एंट्री। हिसाब से है तो राहुल गांधी की आनी चाहिए एंट्री। तो ये भाई पक्का राहुल गांधी उल्टा लिख जन्म रहा है, अभी आपने बिल्कुल यात्रा निकाल देगा, यहीं भारत जोड़ो। राहुल गांधी पप्पू। गाइस कमेंट में बताते रहना किसको सपोर्ट कर रहे हो। बिल्कुल भाई, कमेंट में तुम डाल सकते हो कि इसको सपोर्ट कर रहे हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियंस में लेकिन गाली आएंगे होती है, तो किसने मोदी गाली जी होती, ही। किसने गाली होती है ऑडियंस में। किस दिन चिल्ला ले बोल रही, चला जा से। कोई चला जाओ के किसने उधर से भी गाली बक दे तो कितना मजा आए। बक दी क्या? उधर से दोबारा की बग दी भी बक तुम्हारी माँ। दी भाई। 52 साल एक का तरफ युवा राहुल हूं गांधी मैं दूसरी तरफ उसको मार भाई, डाल दो। 52 साल का युवा हूं मैं, तो मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो? 52 साल का युवा, गुस्सा दूसरे गया का लग माफ रहा, किसी को करेगा मारेगा वो, भाग बस ज्यादा जोर से। चलो स्किप कर देते गया। हैं बस भाई, बस हड्डी आवाज कर जाएंगी, वरना स्किप कर देते स्किप हैं। कर दे। वो पीछे देखो केजरीवाल, देखो असन क्रीड लग रहा है एकदम। अब एंट्री होने वाली है टीम नंबर टू की, ये अपनी टीम नंबर टू, हमारी फेवरेट। देखते हैं कौन आने वाला है। और मोदी जी आ ये देखो, पहले मोदी जी आए हैं भाई, मस्त लग रहे हैं मोदी जी, कुछ भी कहो। द टेरेबल टाइगर। ये बहुत ही गजब एंट्री। इतने एजेड होने के बावजूद उसने कुछ सीले कि बस मैच में शुगर लास्ट भर दे एंट्री सबका तो हमारी मजा आ जाए। आदित्यनाथ योगी जी। तो गाइस आप कमेंट करके बताना सबसे बढ़िया एंट्री किसकी लगी। ये हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी, भाई आवाज बुलडोजर मस्त किंग है, आते द हुए बैड गाय एसएसओ के बुलडोजर साथ किंग। बुलडोजर किंग रिंग में आते हुए। और चलो मैच स्टार्ट करते हैं सबके एंड। बिल्कुल मैच स्टार्ट हो चुका है। मैच सबसे बहुत पहले ही, एक अभी तक का पीएम बहुत ही वर्सेस इंटरेस्टिंग मैच पीएमआई की स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमें मोदी जी तो एग्रेशन में दिख रहे हैं भाई। शुरू में खेलना शुरू कर दिया भाई। ओ भाई देख रहे हो तुम? तो गाइस रूल्स बता देता हूँ, टैग टीम मैच है, रूल्स के बारे में तो पता ही होगा। एक प्लेयर बाहर रहेगा एक रिंग के अंदर, और पिन या सबमिशन से जीतना है, कोई वेपन यूज नहीं कर सकते। और ये मोदी जी ने पहले ही दोनों को मार रहे गेल को भी बाहर भेज हैं। दिया और पप्पू को भी बाहर फेंक दिया। दोनों को मार रहे हैं, कोई रहम नहीं है मोदी जी की तरफ से, ऐसा लग रहा अकेले है ही कि काफी है दोनों के हाँ लिए। योगी जी की तो कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल भाई, फिलहाल बिल्कुल एक ऐसा ही लग तगड़ा रहा मैच है, चल रहा है, बहुत ही तगड़ा। उसे एक सांस चार आ दिन जाए के बाद पहले, खेलेंगे। और ये ताली देते हुए भाई योगी जी अंदर, ओ स्टाइल में ओ बाहर गए हैं भाई मोदी जी। फ्लैग में अंदर से बाहर आते ये क्या हुए हुआ है? टैग बिल्कुल इज मेड।
अभी सीएम वर्सेस सीएम हुआ था 2 सेकंड के लिए और अब सीएम वर्सेस पप्पू है, ये तो ना पीएम बन पाए ना कुछ पाया। ये तो लग रहा है पिटेंगे बहुत गंदा भाई। वो देखो पीछे हमारा असासिन्स क्रीड। ओ रिवर्सल, बहुत गजब रिवर्सल, भारी फेंक दिया। अब ये तो अंदर चले जाएंगे, वाक क्या आएगा अभी अंदर। वहां देखो, ये देखो असासिन को लपेट दिया। और बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मतलब योगी जी की तरफ से एकदम उम्दा प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है हमें। एक भी काउंट नहीं हुआ और अब शायद टैग देने जा रहे हैं। ओ मतलब इतनी गजब किक लगी है ना अभी फेस पे, जिसकी कोई हद ही नहीं है। मोदी जी तो किसी से एक हाथ भी लगाना नहीं चाह रहे हैं, मतलब वो तो चाह रहे हैं कि मैं एक तरफा मारूं। और अब शायद फेलने में लगे पड़े। ये देखो भाई, ये मस्त टैग टीम। ओ डबल टीम अटैक, बहुत ही बढ़िया। कोरियन भर के मारा है। ये देखने के लिए मिलता है जब हम टैग टीम मैच खेलते हैं ना, तो ये चीज देखने के लिए मिलती है कि पहले एक कॉर्नर पे लेके जाओ एक बंदे को, ठीक है, और फिर दोनों बंदे मारते हैं। और जब हम इन्हीं चीजों को अपने पॉलिटिकल्स मतलब उनके लिए देखते हैं ना कैंडिडेट्स को, तो और भी मजा आता है देखने का। अभी हो गया आदित्यनाथ भाई, बहुत गजब, बहुत गजब। थोड़ा फाइट बैक तो करेंगे ही भाई। पीछे देखो इंडियन फ्लैग दिख रहा है हमें, जस्ट अभी नीचे हो गया। ओके रिवर्सल आ गई है अभी, और अब शायद ऐसे ही फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, चल फाड़ पीछे हो। झाड़ू दे दी, पैर में से चप्पल उतार दिया और टैग दोबारा टैग देते हुए। यार वैसे ना ये ना कोई फाइट नहीं है इन दोनों के बीच की, लेकिन ठीक है क्योंकि मुझे पता है ये पिटना ही पिटना है हमारा असासिन्स क्रीड थोड़ी देर में, अपना क्या बोलते हैं इसे, मफरल वाला मफलर स्कार्फ। स्कार्फ तो अलग चीज हो गई है, स्कार्फ तो लड़कियों की होती है। योगी जी केजू को कोने में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, बट ये हम ही जीतेंगे, 400 पा रहे हैं। रिवर्सल आ गए सही टाइम पे एकदम। ओ भाई क्या रिवर्सल, क्या मतलब मस्त एकदम एल्बो ड्रॉप दिया है, बहुत गजब। और मदद करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है इनकी तरफ से भी टैग टीम हमें देखने के लिए मिल सकता है, सुपरमैन पंच हो सकता है, डबल टीम सिग्नेचर मार दिया है। बट यहाँ पर योगी जी ने एंट्री करी और चुपचाप बाहर चले गए। अब तो कुछ नहीं कर सकता राहुल गांधी। पप्पू भी खड़ा भाई रिंग के बीच भाई, स्पेयर उसने उसने फिनिशर वगैरह सब मार दी। चलो भाई बचाओ, नहीं बचाने और मोदी जी खुद ही बच गए। अरे मोदी जी ऐसे थोड़ी ना हार जाएंगे यार। और एक अच्छी रिवर्सल, अब मुझे लग रहा है मोदी जी को एक वो दे देना चाहिए, टैग दे देना चाहिए योगी जी को, तभी कुछ हो सकता है। अरे क्या क्या बात कर रहे हो, मैं मारूंगा इसे, वो कर रहे हो, वो देखो क्या मस्त टैग दिया है। हाँ आएगा रिवर्सल, आएगा रिवर्सल आएगी। कमेंट करके जरूर बताओ आप किसको सपोर्ट कर रहे हो रियल लाइफ में भी और गेम में भी। इस टाइम तो भाई पप्पू ने बिल्कुल ही आतंक उठा दिया मोदी जी और योगी जी। अरे दोनों एक तरफ के दोनों टीममेट्स मतलब बिल्कुल नीचे पड़े हुए हैं। किसके ऊपर कूदने वाला है, किसके ऊपर कूदने वाला है, मोदी जी के ऊपर ही कूदेगा ये तो भूल गया किसके ऊपर कूदना था। बोट
तुम ब्लॉक इसलिए हो गए गेम की वजह से क्योंकि तुम बोर्ड से बेकार खेल लेते, ले देना चाहिए। नहीं आ पाएंगे लेकिन और वहां पर भाई अंदर क्या गजब टैग मिला है, ये स्टाइल स्टाइल में अंदर आने की कोशिश मोदी जी की भाई, छोड़ दिया भाई, खून निकल गया अब तो बिल्कुल, और मिल गया टैग जैसा कि हमें लग ही रहा था कि टैग देने की बारी आ चुकी है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम जैसा उन्होंने करा था, सबसे पहले तो अपना बदला लिया और अब पिटाई शुरू कर दी, दिल्ली बर्बाद करने को हमने, ये आई पटके बुलडोजर की है कहीं टीम अटैक भाई केजू का तो कुत्ता ही बनने वाला है, ले वो पटके हां भाई एक बहुत गजब, ये देखो वो एक बहुत ही गजब भाई इमोट, केजू कहां भाग रहा था मोदी जी की तरफ पता नहीं वो भूल गया था कौन है एकदम फुल मतलब जैसे कहते हैं ना कि गुस्सा आ रहा, बिल्कुल उसी हिसाब से मारा है उन्होंने। एक बात ये जरूर माननी पड़ेगी गाइस के बहुत थप्पड़ पड़े पर कभी मतलब नहीं होता है, टैग मिल गया भाई टिक्की बना नहीं भाई नहीं असली नहीं जा रहा बिल्कुल भी, ये एक बार यही बकचोदी कर रहा था हार गया था ये कौन सी साइड ना आ रहा है यो गुस्सा आ रहा है मैं नहीं मैं कह रहा हूँ यही बकचोदी कर रहा था हार गया था ये भाई भाई लेकिन गुस्से में सच में राहुल गांधी गुस्से में मुझे देखने से लग रहा है कि वो अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे नाखुश है, ऊपर से एंट्री करते वक्त किसी दो बल तो लगा दो ना खाली बक दी योगी जी सिर्फ वेट कर रहे हैं कि यार अगर देर से नहीं हो पा रहा तो मुझे टैग कर दे, पिन करने की जो योगी जी बचाने आए हैं उसने वैसे भी टैग भी नहीं होने दिया योगी नहीं, और वहां पर टैग योगी जी उठो यार मजा नहीं आ रहा यार भाई मस्त पेला पाला वापसी अंदर चलो चलते हैं बिल्कुल योगी जी को देख के एकदम मेरे को जॉन सिन्हा की याद आ रही है, वैसे सच बताऊं तो ऐसे पिटता रहता था बेचारा और ऐसे उठ जाता था, हार नहीं है उसका ये सीन था ओ, दूसरी टीम की तरफ से भी टैग वो देखने के लिए मिलेगा टैग टीम तो बहुत और रिवर्सल आ गई और ये उठा के ओ भाई पावर हाउस का कुछ तो इस्तेमाल हो गई देखो वो हट गया बढ़िया मैच चल रहा है एकदम गजब मैच चल रहा है, ये दिखाएगा ऐसे होती है अटैक टीम, पता नहीं सारे के भाई माथे से खून निकल गए, ओके रिवर्सल आ गई इसकी तरफ से भी, किसका माथा फूट गया हमारे असासिन्स क्रीड का माथा फूट गया जो सच में ओदा है ना वो संभाल लेना चाहिए के भाई कैसे भगा भगा के मार रहे हैं तस्मीर ले जाके और वापस करना को हमारी में छोड़ दिया और अब पिटाई हो गई तेरी भारत जोड़ो यात्रा तेरी पूरी कर दी दो सेकंड में मैं देखो वैसे तुमने ये देखा जब भी मतलब क्या कहते हैं मोदी जी और योगी जी का पिनफॉल होने वाला होता है ना तो ये दोनों आ जाते हैं है ना उसको कोई मतलब नहीं है क्या करूं बचाऊं ना बचाऊं चल छोड़ यार चल छोड़ जान दे ओ लग रहा है भाई ये तो आया कोई सिग्नेचर भाई क्या पिन किया है मोदी जी को और ओ भाई कितना गजब पिन था ये टैग कर टैग दे देना चाहिए अबे वह रिवर्सल आ गई
दूसरी बार भी आ गई, आधी कर दी उसने। अब ओ गिलिच में लपेट लिया, पता नहीं कैसे लपेटा, लेकिन बहुत मजा आया देखने में। एक पटक में बाहर चला गया। मोदी जी कह रहे आपकी बार 400 ओ भाई मोदी जी ने यार। मोदी जी अपनी जनता को एंटरटेन करते हुए रिंग में आ गए वापस। अब मेरे हिसाब से तो उन्हें टैग नहीं देना चाहिए, ये ज्यादा ही ड्रामे कर रहा था। हाँ बिल्कुल, रिंग के बीच में लाने की कोशिश। क्या मूव टीवी का यूज करेंगे? ओ भाई कुछ तो, अरे मूव टीवी हो रहा था लेकिन उसने बिल्कुल अपना इस्तेमाल कर लिया। लेकिन यहाँ से मोदी जी भी भाई अपना 100% देते हुए हर एक चीज में। मोदी जी का माथा फूट गया फाइनली। मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी मोदी जी का माथा फूटेगा, लेकिन फूट गया। अभी ये लड़ाई कुछ पर्सनल हो गई है क्योंकि खोनम खान हो गया भाई लड़ाई में। और भाई राहुल गांधी तो शुरुआत से ही अग्रेशन में है, बस अब उसके टैग देने का समय आ गया है क्योंकि वो इतना ही मारते ही मार के चला जाता है बस। और रिवर्सल मोदी जी की तरफ से, रिवर्सल और एक फिनिशर है मोदी जी की तरफ से, तो देखते हैं अगर ये फिनिशर मार पाएंगे। बहुत ही गजब यार मूव्स मोदी जी की तरफ से। और ये यार टैग दे दिया यार केजू, और उसने आते ही अपना भाई फिनिशर यूज कर लिया। बचाने आ रहे हैं भाई। अरे बचा लेंगे, अब टैग दे देना चाहिए भाई तुरंत से, पहले टैग। बिल्कुल बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है अपनी बीजेपी टीम। ये किसी तरफ उंगली करते हुए केजू, किसी तरफ उंगली कर रहा भाई। ओ भाई नहीं, नहीं, ये तो गजब लात थी यार। मोदी जी ने रिवर्सल ले ली। मोदी यार इतनी जल्दी तो नहीं हारेंगे यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो इतने, भरोसा रखो, भरोसा आया मैं। अब मेरे हिसाब से तो टैग दे देना चाहिए बस, क्योंकि अब दोबारा योगी जी बचाने नहीं आ पाएंगे अगर आप पिन हुए। बिल्कुल, और बॉडी बिल्कुल रेड बड़ी है। गाइस तो क्या लगता है भाई कुछ हो पाएगा? ओ भाई किक आउट, ये जाता पिट के आ जाता हर बार। देखो चुपचाप मुंह में घुस गया और चला गया। अच्छा नहीं नीचे नीचे कुछ इनकी अलग बाज रही है। ये लग रहा है फिनिशर भाई। यहाँ पर ये तो अलग पार्टी के, ये तो आएंगे नहीं। और 1, 2, 3 भाई अपने विनर्स हमारे सामने, क्योंकि यार वो भाई उसमें देखो कितने गंदे हैं वो लोग यार, वो आते ही नहीं है एक दूसरे को बचाने। देख मैंने तेरे से कहा था ना हम ही जीतेंगे, ये ताली दे ये लोग की बार 400 बार। तो गाइस ऐसे मैच देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बता दो कौन सी टीम आपकी फेवरेट है और कौन सी टीम आपको लगता था कि जीतनी चाहिए थी, बट अभी हमारे पास हमारे विनर्स मिल गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।